आम आदमी पार्टी चीफ एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज अटैक्ड होम मिनिस्टर अमित शाह क्लेमिंग दैट ही हैज बिकम एरोगेंट बिकॉज ही वाज चोजन एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सक्सेसर अटैकिंग द बीजेपी लीडर ऑफ हिज रैली इन द नेशनल कैपिटल द आप चीफ क्लेम्ड ही कॉल्ड द पीपल ऑफ दिल्ली पाकिस्तानीज केजरीवाल क्लेम्ड अमित शाह हैड अब्यूज्ड द पीपल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग हिज रैली इन साउथ दिल्ली शाह सेड केजरीवाल एंड राहुल गांधी आर सच लीडर्स हु हैव मोर सपोर्ट इन पाकिस्तान दैन इन इंडिया कोई समझे राहुल बाबा कहते हैं हम सीएए को निरस्त कर देंगे भाइयों बहनों ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है पाकिस्तान में ज्यादा है मेयर अमित शाह जी दिल्ली आए थे दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया विश्वास दिया क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं पंचायत के चुनाव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आसाम में मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच सरपंच म्युनिसिपल मेयर काउंसलर चुने गए जगह जगह क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं ये क्या बात कर रहे हैं आप आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे धमकियां देने लगे अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं बीजेपी जा रही है थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए आपकी दुश्मनी मेरे से है आप मुझे गाली दे लीजिए लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला Shubh Rana is joining us for more details on this story. Shubh, Arvind Kejriwal responding to the attack launched on him and Rahul Gandhi by Home Minister Amit Shah. Definitely. And in his today's attack, Arvind Kejriwal have said that nearly 500 people attended Amit Shah rally. And he have been saying that, Amit Shah have been saying all the Delhi people and he have been abusing all the Delhi heights as Pakistani because it was all the Delhi public who have voted for Arvind Kejriwal. When we talk about Delhi seats, Arvind Kejriwal have 62 seats out of 70 seats in Vidhan Sabha. And also in Punjab, Arvind Kejriwal is backed by 92 seats out of 117 seats. So Arvind Kejriwal have taken a big dig at Amit Shah where he have been saying that you are calling Bharatiyas as the Pakistani and it is not fair to say like that. He have also warned that this time on 4th of June when results will be out of general elections, he have said that this time India Alliance will form the government and will have the vote share of 300 seats. This is the claim which have been made by Arvind Kejriwal in his today's press conference. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.